साउथ इंडस्ट्री के हीरो रजनीकांत की अगर हम बात करें तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। साउथ इंडस्ट्री में उनकी इतनी चलती है कि अगर रजनीकांत की कोई फिल्म रिलीज होती है तो इस दिन लोग छुट्टी कर रजनीकांत की फिल्म देखती हैं, और साउथ के लोग रजनीकांत को भगवान मानते हैं। और यही हाल बॉलीवुड में सलमान खान का है। सलमान खान की फिल्में जब रिलीज होती हैं तो लोग छुट्टी कर देखना पसंद करते हैं। सलमान खान की सभी फिल्मों को लोग बहुत प्यार देते हैं और सलमान खान की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग देखी जा सकती है। जब सलमान खान की फिल्म रिलीज होती है तो लोग सलमान खान की फिल्म का भव्य स्वागत करते हैं और बॉलीवुड के भी भगवान माने जाते हैं सलमान खान। इन दोनों बड़े सुपरस्टारों ने आखिर एक साथ क्यों नहीं की फिल्म? तो जहां एक और साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, इन दोनों ने आखिर क्यों नहीं की है साथ में फिल्म? ये बड़ा सवाल है जो फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब हम आपको देना चाहेंगे। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में जब रजनीकांत से इस बारे में सवाल पूछा गया कि आप दोनों एक साथ फिल्म क्यों नहीं करते हो, तो इसका जवाब देते हुए रजनीकांत ने कहा कि मैं सलमान खान के साथ काम करने के लिए बरसों से सोच रहा हूं, लेकिन किसी प्रोड्यूसर ने हिम्मत नहीं दिखाई सलमान और मुझे लेकर फिल्म बनाने की, और मुझे कभी भी सलमान खान के साथ फिल्म करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। यही जवाब सलमान खान का भी होता है कि रजनीकांत साउथ इंडस्ट्री के भगवान हैं और मेरा उनके साथ काम करना मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन कोई प्रोड्यूसर ऐसा सामने नहीं आया जो दोनों को लेकर फिल्म बनाना चाहे। और ये भी बात सच है कि दोनों अगर किसी फिल्म में नजर आएंगे तो उसका बजट 150 करोड़ के ऊपर होगा। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कभी सलमान खान और शिवाजी राव यानी रजनीकांत की कोई फिल्म आती है। अब आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें।